भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मैक्स अस्पताल में मुलाकात की। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए सीएम धामी रविवार दोपहर देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे। ऋषभ पंत ने हादसे में घायल होने पर सीएम धामी ने कहा कि सड़क पर गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऋषभ पंत ठीक हैं और उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने ऋषभ पंत को बचाया उनको ऋषभ पंत ने कहा कि वह सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। सीएम धामी ने कहा कि ऋषभ पंत अभी मैक्स अस्पताल में ही रहेंगे, अभी उनका प्रारंभिक इलाज किया जा रहा है जिससे उनको हर स्तर से राहत मिल सके। सीएम ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको हायर सेंटर रेफर भी किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं है। उनका कहना ये था कि मुझे लोगों ने वहाँ पर जैसे ही मुझे चोट लगी है तो लोगों ने मुझे बचाया है, सभी लोगों ने हेल्प करी है और ऋषभ खुद ही जो है सभी लोगों से सबका धन्यवाद कर रहे हैं। सर, आपने ऋषभ से पूछा नहीं? हमने सभी के लिए सर, आपने सर मुलाकात करके आए सर, आप पूरे परिवार से जी काफ़ी क्योंकि पिछले दो दिनों में काफ़ी सुधार हुआ है और तेज़ी से सुधार हो रहा है। बाकी डॉक्टर और DCI के लोग आपस में संपर्क में हैं और अभी क्योंकि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफ़ी अंतर है और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि एक दो दिन में और ज़्यादा सुधार हो जाएगा और उनकी माँ से भी बात हुई है, माताजी भी साथ में हैं, वो लोग सभी लोग अभी जो इलाज चल रहा है उस इलाज से संतुष्ट हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों।